डॉल भंडारकर माइक प्लीज बारी बारी सबको अभी बुलाने वाले हैं सबसे पहली बात रियलिटी टीवी के इस दौर में लॉकडाउन की कौन सी बात है जो हमको नहीं पता है क्योंकि आपकी फिल्मों में सरप्राइज एलिमेंट और वो शॉक वैल्यू बहुत होता है सो आई यू आउट टू शॉक विद इज वेल वाई इंडिया लॉकडाउन कुछ रह गया नमस्कार गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी ऑल माई फ्रेंड्स वेल विशर्स फैमिली एंड माई मीडिया फ्रेंड्स ओवर यर, थैंक यू अर्चना फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से अर्चना जी आपने जो सवाल पूछा कि रियलिटी फिल्म और लॉकडाउन के ऊपर मेरे ख्याल से मैं ही बना सकता है ऐसा सब्जेक्ट मुझे लगता है जिस तरह का इसका थाट है और जब पहला लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा किस तरह से लोग जूझ रहे थे किस तरह से पीड़ा थी वर्ल्ड uh, ओवर में हमने देखा कि ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में था पूरे विश्व में था और मुझे लगता है कि उस वक्त पे uh, और ये पिक्चर जो है ये पहले लॉकडाउन को दर्शाती है पहले लॉकडाउन के जो स्टार्टिंग के 25-30 दिन होते हैं उसमें क्या क्या हुआ और हमने बहुत उस पर रिसर्च किया मेरे राइटर अमित जोशी आराधना हम लोगों ने बैठ के इसको दो तीन वर्जन लिखे और लॉकडाउन में लिखा इसको फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम में हमने इसको लिखा हम लोग बहुत जूम कॉल करते थे और उसके बाद कहीं जाके हम लोग को लगा कि इतने लोगों की पीड़ा थी लेकिन हमको फिल्टर करके चार स्टोरी चाहिए थी और हमने चार स्टोरी वो निकाले कामाडीपुरा में सेक्स वर्कर किस तरह से वो लोग ने स्ट्रगल किया अपना माइग्रेंट वर्कर्स जो चल के गए थे यहाँ से अपने अपने गांव और एक बुजुर्ग आदमी किस तरह से वो के लिए रह वो जाना चाहता है आवाज है <laughs> तो अपनी बेटी को मिलने जाना चाहता है हैदराबाद और एक पायलट किस तरह से वो ट्वेंटी फोर सेवन घूमती है और सडनली वो घर में बैठी तो मुझे लगता है कि ये जो एस्पेक्ट था बहुत ज़रूरी था लोगों के सामने लाना और इसको मैं चाहता था इसको डॉक्यूमेंट करूँ मैं चाहता था कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है कि आज भी कुछ लोग से मैं बात करता हूँ खास करके हमारा टीजर आने से पहले लोगों ने बोला कि अच्छा इंडिया लॉकडाउन और द लॉकडाउन फिल्म है और जब टीजर आने के बाद लोगों ने कहा यार हम तो भूल गए थे क्या लॉकडाउन था लेकिन हम लोग को पूरा रिकैप हो गया हालांकि उस दिन ट्विटर पे और सब जगह ट्रेंड हो गया नंबर वन ट्रेंड हो गया कि अब इंडिया लॉकडाउन हो रहा है कि नहीं बाद में पता चला भाई फिल्म कमिंग तो मुझे बहुत जरूरी था कि आगे वाले जनरेशन की सेल्फ्राइव बहुत बड़ी होगी इस पिक्चर की क्योंकि आगे वाले जो जनरेशन है जो पंद्रह बीस साल के बाद इस पिक्चर को देखेंगे तो उनको ये होगा कि लॉकडाउन क्या था तो ये पिक्चर आपको दर्शाती है पहली फिल्म है मेरे ख्याल से एक फ्यूचर फिल्म जिसके अंदर आप लॉकडाउन के बारे में क्या है और किस तरह से मैंने चार अच्छी स्टोरी को लाया है और ये अच्छी स्टोरी जो है कनेक्ट करती है एक दूसरे को ऐसे नहीं कि एंथोलॉजी है ये कि एक स्टोरी ख़त्म होती दूसरी चालू होती तीसरी चालू होती ऐसा बिल्कुल नहीं है ये कहीं ना कहीं जुड़ती है जो लोग इस किरदार पिक्चर में है उस उनसे जुड़ती है और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फिल्म है जो हर कोई बल्कि नाउ हिंदुस्तान में भारत में पूरे ग्लोबली इससे कनेक्ट कर पाएगा एवरीबॉडी विल कनेक्ट ग्लोबली बिकॉज़ हर किसी की एक पीड़ा थी एक साहस था लॉकडाउन से लड़ने का यू नो देयर अ फाइन लाइन बिटवीन सेंसेशनलिज्म एंड रियलिटी और आपके मूवीज में स्ट्रेंजली ये पता नहीं कैसे इनका गठबंधन हो जाता था इनकी शादी हो जाती थी इसमें कितना आपको सेंसेशनलइज थोड़ा करना पड़ा नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा मुझे नहीं लगा मुझे लगता है कि उल्टा मुझे फ़िल्टर करना पड़ा क्योंकि हम लोग को पिक्चर सेंसर भी करनी पड़ती है तो हम लोग को कई जगह ये अपना फ़िल्टर करके उसको लाना पड़ा बिकॉज एक घंटा पचपन मिनट की पिक्चर है उसके अंदर हम पूरी चीज़ नहीं दिखा सकते बहुत लालच भी होता है कि ये भी डाल दो वो भी डाल दो लेकिन देन वी हैव टू सी कितना इसका इम्पैक्ट होता है तो मेरे ख्याल से हम लोगों जितना है प्रिसाइज है पिक्चर को और मुझे लगता है कि मैं ह्यूमन स्टोरी बताया हो इस पिक्चर के अंदर हमने दिखाया कि किस तरह से लोग पर्सनल जो है पर्सनल जर्नी है इन की जितने चार किरदार चार स्टोरी जो है उनकी पर्सनल जर्नी है उनकी पीड़ा है किस तरह से वो जूझते हैं किस तरह से लॉकडाउन में उन्होंने चीज़ों को देखा या महसूस किया उन चीज़ों पे हमने ज़्यादा इस पर यह दिया है ताकि इस पर सेंसेशनल मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है और मेरे ख्याल से मैं हमेशा फिल्में बनाएँ स्टोरी टेलर हूँ अलग अलग फिल्म बनाता हूँ और लोगों को हंसा तो अभी भी बबली बॉन्सर में लोगों को हंसाया मैंने जो एक फैमिली एंटरटेनर थी बहुत ही लोगों ने इसे इस पसंद किया सफल रही मेरे लिए और इंडिया लॉकडाउन बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है दोनों अलग फिल्म है आ, वो एक एंटरटेनर फैमिली थी और ये एक हार्ड एटिंग फिल्म है जो आप लोगों को कहीं चीज हो जाएगा जो जैसे ह्यूमन कनेक्ट है इस पर लोग हमेशा कनेक्ट कर पाएंगे इस पिक्चर को आपकी कोई पर्सनल मेमरी है फ्रॉम द लॉकडाउन दैट यू लाइक टू शेयर विद अस नहीं बहुत सी मेमोरी है लॉकडाउन तो देखिए ऐसा था कि हर कोई अलग अलग कोई खाना बनाना सीख रहा था किसी ने किताबें पढ़ी जैसे मैंने किताबें पढ़ी पिक्चरें बहुत देखी कई मैंने पिक्चरें पुरानी पुरानी पिक्चर देखी मैं बहुत ही जैसे आप जानते हैं फिल्म बफू पुरानी पिक्चरें देखने का मुझे बहुत शौक था तो सेवेंटीज एटीज की पिक्चर मैंने देखी लोगों से कनेक्ट किया बहुत से लोग फ्रेंड्स ऐसे थे जिनों के साथ बहुत सालों से हमने कनेक्ट नहीं किया था तो वो लोगों से एक कनेक्ट रहा जूम कॉल के थ्रू और फोन के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू एंड इंडिया लॉकडाउन लिखी और इंडिया लॉकडाउन माई गॉड I think just clap to that. What an amazing 360-degree indulgence in the lockdown. Bless you, mother sir. Let me invite the chief business officer of Z5, Manish Kalraji. Please join us on stage. What a beautiful thing to present to us, which is so long overdue. Welcome, sir. All right. Thanks, sir. Long overdue in the sense that we've seen three very, very, very. Gruesome to some, maybe maybe a relief to many of a lockdown, and for you to present this to us, I'm sure a vision raha hoga, it to collaborate with Motherji and Pen? Yeah, we at Z5 uh, we are highly customer focused. we know what the customer wants and stories connect. So we look for real relatable stories which will connect and which have a, all value. Yeah. and when uh, actually Jyanti approached us and uh, with Mother. So, when it was Madhur and uh, uh, his art of storytelling, I'm, I'm a fan, so <laughs> he's like one of those who changed the way Indian stories were being told. So, when it was Madhur and uh, obviously lockdown stories, uh, when you hear lockdown, all of us have gone through it, right? We've gone through highs and lows and uh, different emotions. So, the story actually brings out uh, the untold stories of lockdown which many of us would not have noticed because we live normal uh, absolute lives the pain of people going back home pain of people who are not able to kind of do their work because of various reasons whether it's the kamatipur worker or whether it's someone else so i think lovely storytelling uh, amazing uh, Art which Madhurji brings in, and obviously the fact that uh, it's a real relatable story. Everyone will connect. I, I believe not only in India, it, it should go all over the world, and all of us have gone through it. So, definitely something we wanted to better uh, bang on. So, we are on. Always a universal storyteller with Z, I can tell you that. May I please invite on stage Pranav Jain for making sure that this is going to be the ultimate production? Welcome. How special has this association been, or you? Because every story is a different story that you're producing and you're involving yourself in. How has this been an enriching experience? So, this was my first experience. I have been assistant to Madhur Sir. Oh, I have hi. assisted him on Hindu Sarkar. So, it was my dream that has actually come true that uh, I worked with him. And he gave me the opportunity that I can go through with this and it was obviously we all have gone through lockdown but when we saw see it coming on the screen it's really different because we are telling the stories which we don't come across yeah. in daily time and in lockdown what we had the best was that we spent time with our family members yeah. and we gave time to things that we could not in our daily lives yeah. and these are stories which will tell us what ha actually happened around the world

तो मैंने इसको बोला फिल्म बनाते इंडिया लॉकडाउन देन ही सेड ओके मैं पापा से पूछता हूँ एंड देन प्रदीप जी फादर बीन अ ग्रेट प्रोड्यूसर ही टोल्ड के अपना अरे कोई फिल्म बना रहे हो कि मजाक कर रहे हो मैंने नहीं नहीं मजाक नहीं सच्ची बोल रहा हूँ इंडिया लॉकडाउन पर फिल्म बनाते एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड वन द फिल्म वन मेड वी वेंट टू जयंती बाय जयंती बाई लव द फिल्म ही सॉ द फिल्म एंड जी फाइव केम एंड थिंग स्टार्टेड मूविंग एंड इट्स अ ग्रेट कोलेबोरेशन थैंक यू सो मच प्रणव Whom I'm about to call on stage is somebody I'm a personal fan of because she lives down the road and probably hits it off every day. Whether it's her fitness, whether it's her thought process, whether it's the books she indulges in, please welcome, help me welcome, Shweta Basu Prasad. To please join me on stage. Full uh -huh. <laughs> <More> power packed, <laughs> <Pataka> she is. <laughs>

I think that itself is a compliment for any actor. Uh, <laughs> We've been wanting to work together for many years now. I think He had offered me traffic signal. Um, and it was right after Iqbal. And I had exams. And my parents had put a hard stop because of my education. And uh, uh, we couldn't work back then. So I'm happy that it's come to fruition now. Uh, it's not a film. India Lockdown. Um, उस टाइम को ट्रिगर नहीं करता है आपको uh, उस टाइम को रीलिव नहीं करवाता है इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एंड इट्स अ रिमाइंडर ऑफ अ टाइम व्हेन पीपल केम टुगेदर ग्लोबली हु सफर्ड ग्लोबली एंड हु सर्वाइव्ड ग्लोबली जो चारों स्टोरीज हैं दे कम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ एंड इट्स अ रिप्रजेंटेशन ऑफ यू नो ह्यूमन इमोशन दैट ग्लोबली वी ऑल शेड so it's a reminder that um, life is unpredictable or kabibi bhi kuch bhi ho sakta hai but let's not lose human spirit you're a very outdoorsy and indoorsy person i'm aware but yeah. you have to tell us ki lockdown how stifling it was just like your character yeah. jo apna kam nahi kar pa rahi thi, thi liye as an artist yeah. and as somebody who loves just being there out there kya tha you know lockdown personally uh, <laughs> i think um, यू नो ऑल ऑफ अस जो थोड़े प्रिवलिज हैं हमारे लिए ये था कि मेड नहीं आ रही है या हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं या आज कौन सा कॉफ़ी बनाया वो इंस्टाग्राम पे डालेंगे सो आई थिंक ऑल ऑफ अस हु हैड रूफ ओवर आर हेड एंड फूड वी कैंट रियली कंप्लेन क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि काम हम कब रिज्यूम करेंगे बट द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग मेहरूनी सा इज़ अ कमर्शियल सेक्स वर्कर फ्रॉम कामाठीपुरा एंड हर बिजनेस वज डेक्टली अफेक्टेड बाई द लॉकडाउन लाइक यू नो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी एंड I'm embarrassed to say this that uh, when he told me about this character and I didn't really think about this community during the lockdown. It wasn't really highlighted. It's one of those communities which migrant workers' about me. We a lot of things covered. Of course, rightly so. But this community was not really represented or highlighted at all, or, or briefly, if I may say, because I have not seen anything. So that was really hard hitting um, for the research. The entire team, our um, directors, our brilliant cinematographer Keku sir, and Kamati Pura, the, And I met. Some of the commercial sex workers, and um, they told me some of their heartbreaking stories, which of course I can't share because they trust me. Much, but it helped me pick the character very much. You know the mannerisms, the body language, how they sat and how they spoke, and I've picked up a lot. And um, I dedicate this performance to sex workers globally. Thanks. Bless you! You've done a fab job. So different from what you've done so far. अब okay, uh, uh, 440 वोल्ट से ज्यादा एक एनर्जी लाइव वायर आने वाली है फर्स्ट टाइम आई सॉ यू इन थिएटर हॉल एट पृथ्वी थिंग फॉर अ गर्ल टू बीनिफॉर्म ye tha ek ये था liye. हाई look stunning in that uniform. I, as a एज

Very energetic person who can't wait to go and push dumbbells and do I don't know what all. But uh, what do you do? First of all, I'd like to say a big thank you to Madhur sir for you know, considering me for this part. Um, uh, I'm not somebody who's not aware of women in uniform. My mother's a DSP. She has served the police department for 40 years of her life. Uh, wow, wow. <laughs> I आई ग्रो अपन सिटी कॉल लखनऊ एंड मेरा मेरी परवरिश एक कोतवाली में हुई थी जहाँ पर औरतें अपनी लड़कियों को यू नो जब मादरस होती हैं वो अपनी बच्चियों को सुबह सुबह पराठे बना के और यू नो गुत्थियाँ बांधती हैं हम लोग को मी एंड माई सिस्टर वी नेवर हैड लॉन्ग है वी ऑलवेज हैड शॉर्ट हेयर बिकॉज माई मदर वॉज ऑलवेज इन ऑफिस कैचिंग क्रिमिनल्स मेरी मासियाँ जो भी हैं सब यूनिफॉर्म में रही हैं मैंने सिर्फ बंदों को पिटते हुए देखा है अपनी पूरी लाइफ जब आपकी परवरिश कोतवाली में होती है और आपका प्ले ग्राउंड कोतवाली होती है uh, हज़रतगंज कोतवाली की मेरी मम्मी इंचार्ज थी और मैंने वहाँ पर बहुत से यूपी में तो खैर क्रिमिनल्स काफ़ी होते हैं यू uh, नो uh, you know, कभी कोई किसी चीज़ के लिए पेट रहा है सो आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल लव मैन गेट बीटन अप इन माय चाइल्डहुड सो आई एम नॉट प्रीवी टू दिस बट आई हैव फॉर्चुनेटली आई थिंक बिकॉज ऑफ वे आई द वे आई एम आई प्लेड अ लॉट ऑफ women in uniform characters uh, uh, through my uh, career in this business but i've never played a commercial pilot and i'd really like to say thank you to Mother, sir, because the first time i wore the uh, pilots uniform a very uh, interesting feeling i how did i not think of becoming a pilot because when i was I exams like a police wali banongi, <laughs> but i never thought of becoming a pilot <laughs> सो so, इन्ह ने ये ड्रीम भी पूरी कर दी बट आई आई थिंक द थाट बिहाइंड दिस फिल्म इज एप्सल्यूटली इनक्रेडिबल बिकॉज मधुर सिर्फ uh, एक स्टोरी पे ध्यान नहीं दिया है मुझे लगता है उन्होंने इतना इतनी प्यारी चार कहानियाँ बताई हैं एक कहानी uh, uh, एक कमर्शियल पायलट की है एक ऐसी औरत की जो एक बहुत फियर्सली इंडिपेंडेंट लड़की है जो अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर अपने टर्म्स पे जीती है Uh, हम लोग में से काफी लड़कियां जो बंबई में काम करने के लिए आती हैं या दिल्ली बैंगलोर ऐसे शहरों में जब काम करके आ, करने आती हैं अपने अपने घरों को छोड़कर uh, एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एक एक एक्सक्लूसिव एक सी लाइफ जीती हैं Uh, काफ़ी बार ऐसे होता है कि परिवारों को छोड़कर आना पड़ता है तो दीज आर डिसीशंस विच आर वेरी हार्ड फॉर एनी सिंगल यंग वुमन एंड मेरी कहानी बिल्कुल वैसी है वेर यू नो शी लीव्स हर फैमिली एंड वो अकेले रह रही है एंड एक लोनलीनेस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी डिप्रेशन एंगजाइटी मेंटल हेल्थ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन बन गई थी लॉकडाउन के दौरान uh, उसको हाईलाइट करती है कि कैसे आप लोगों के साथ रहकर भी अकेला महसूस कर सकते हैं लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो आप उसको आ, उन चीज़ों को कैसे कॉम्बैट करते हैं उन फीलिंग्स को कैसे कॉम्बैट करते हैं और एक यर्निंग किसी के साथ रहने की या किसी के साथ जीने की एक आशा आ, वो बहुत प्यारी तरह से इन्होंने डिपिक्ट की है मेरी कहानी में उसी तरह जो चार कहानियां कभी कोई बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है या एक वैसी फीलिंग जहाँ पर घर जाने की एक उत्सुकता एक आशा Uh, दो लोगों को या माइग्रेंट uh, वर्कर्स को अपने घरों तक चल कर लेकर जानी पड़ी तो कुछ लोग अपने घरों से निकले कुछ लोग अपने घरों में सीमित रहे आ, आ, एक सेक्स वर्कर वर्कर की कहानी जहाँ पर जो एक बंदी या बंदा जो रोज़मर्रा की जिंदगी के लिए पैसे कमाता है उसकी जब कमाई बंद हो जाती है तो वो कैसे उन फीलिंग्स को या आ, कैसी उसके साथ कैसी तकलीफें आती होंगी उस इंसान की जिंदगी में और किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया तो आई रियली फील दैट मधुर सर ने इतनी प्यारी चार कहानियां आप सबके सामने रखी हैं एंड आई रियली सिंसियरली होप यू एंजॉय द फिल्म as much as you'll enjoy the trailer so unique and beautiful she's really looked stunning thank you for that and your mother salute to her all right calling the stud in the house this man can't get more handsome than he already is mr prateek please join me on stage prateek babar ladies and gentlemen please सेकंड आप बार में जगलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हैं मुझे तो मतलब पहचान में ही नहीं आया प्रतीक बाबर यही है डिड यू हैव टू वर्क अल्ट्रा हार्ड टू गेट इन टू दिस कैरेक्टर ऑफ द माइग्रेंट वर्कर कितना मुश्किल था पहले तो थैंक यू फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन एंड कैसे हैं दोस्तों <laughs> <laughs> I love what you're wearing. It's so unique. क्या है? Yes, ये कुनाल रावल है मेरा दोस्त. Ah. सुपर जी मुझे काफ़ी प्रेपरेशन करना पड़ा इस कैरेक्टर के लिए लेकिन पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मधुर सर का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी सर ने ये मुझे मौका दिया सर ने इस इतने इतने, इतने अच्छे किरदार का मुझे निभाने का मौका दिया मैं एक्चुअली एक कहानी शेयर करना चाहूँगा आपसे जब मैं पहली बार सर से मिला जब पहली बार मुझे फ़ोन आया सर से कि ये फिल्म बना रहे हम तू आ जा ऑफिस मिलने आ जा मुझे तो मैं गया था मेरे नीले बालों के साथ गया था मैं शॉर्ट्स में ठीक है और जर्सी गंजी में गया था नीले बालों के साथ और, और सर ने बोला कि पहले तो कुछ बोले नहीं ऐसे हिल गए थोड़े से सर मुझे देख के <laughs> और फिर उनकी टीम मुझे देख के देख के थोड़ी हिल गई और फिर सर ने बोला अच्छा ये माइग्रेंट वर्कर का कैरेक्टर है तू करेगा आपने बिल्कुल करूंगा सर और उनकी टीम से मुझे देख रही है मेरे नीले नीले बालों के साथ और सर को बोल रहे ये ये ठीक है मतलब ये ये बदतव्य आपको माइग्रेंट वर्कर कहां से नजर आता है आपको बाजार राम जरा पेन पेन ये करेगा माइग्रेंट वर्कर तो फिर फिर मैंने कॉस्ट्यूम पहनी फिर थोड़े से बाल वो डाई करने पड़े

वर्ल्ड वॉज उसको दर्शाया है और हम में से बहुत कम लोगों को शायद उनकी पीड़ा इवन समझ में आई होगी yeah. तो फिल्म है लॉकडाउन पे हम फिल्म बना रहे माइग्रेंट वर्कर का रोल है लेकिन आ, तेरी माँ ऐसे किरदार निभाती थी ऐसे मुझे सर ने कहा देख तेरी माँ ऐसे किरदार निभाती थी और तू अगर ये करेगा तो ये ट्रिब्यूट हो सकता है तेरी माँ के लिए यू कैन पे होम एच टू स्म चला आई वॉज मैं उसी वक्त मैंने बोला सर मैं हाजिर हूं बताओ क्या करना है तो so आई uh, मैं बहुत ही इन्वेस्टेड था पहले ही पहले ही मीटिंग से पहले ही Uh, uh, पहले ही कॉन्वर्सेशन से मैं बहुत ही इन्वेस्टेड था इस, इस uh, फिल्म में और uh, किरदार uh, किरदार को लेके और आई थिंक सर ने बहुत खूबसूरत बहुत बहुत uh, सोच समझ के और ख़ूबसूरती से ये चारों कैरेक्टर चूज़ किए हैं uh, uh, और इस्पेशली माइग्रेंट वर्कर का कैरेक्टर और इस्पेशली श्वेता का कैरेक्टर शाही और मेरा करेक्टर और शतक का कैरेक्टर आई थिंक शतक प्लेज अ सेक्स वर्कर एंड यू नो आई प्ले अ माइग्रेंट वर्कर विद विट आई थिंक वट वट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट दीज कैरेक्टर्स इज उनका स्ट्रगल देखना और स्ट्रगल हमें महसूस करना बहुत जरूरी आई थिंक जानना और देखना और महसूस करना बहुत जरूरी है एंड I really, really bow down to Madusa for, for, uh, for uh, bringing these stories to life through India lockdown. Um, I think this is a very special film for me. Because my process is uh, uh, ke mein ki process बहुत ही special थी मैंने मेरे माँ की काफी फिल्में देखी sir ने मुझे माँ की मेरी माँ की फिल्में फिल्मों की रेफरेंस दी तो मैंने आख्रोश देखी चक्रा देखी मैंने शबाना जी की फिल्म देखी मैंने अंकुर दो भीगा जमीन भी देखी मैंने तो आई थिंक uh, उन आई थिंक uh, ऐसे किरदारों की उनके उनके स्ट्रगल्स जानना आई थिंक uh, मुझे uh, It was, it was necessary for me to watch these films to understand the kind of struggles these characters live in and go through. And uh, um, I'm just, I'm very happy to be here and, I, and I, I really hope everybody enjoys the film and enjoys all our characters. And Shweta uh, very that this film reminds us uh, is this को रिमाइंड करने के लिए हम ये फिल्म नहीं uh, दिखा रहे या बना रहे या आपको प्रेजेंट कर रहे uh, ये एक इमोशन था जब जो हम सब ने शेयर किया है हम सब ने सफर किया है हम सब ने हम सब ने uh, उस इमोशन को दिस वॉजिवर्सलोशन स्टोरी Yeah. an emotion we didn't get enough peek into you know Absolutely. so i think uh, uh, um, we really go into the, the depth of the migrant worker and and the uh, and the sex worker yeah. i'm sure it's metamorphosed you as an as an actor as a human being to be in that character if i can Absolutely. say so Absolutely. but let's call hamare maharashtra kishan film jagat kishan and somebody who really stands up for every character she's played. Sai, please join me on stage. Yeah. Ah, we love ah. you.

Uh, क्योंकि हम बहुत बुरे वक्त से गुजरे उससे बाहर आए बहुत कुछ सीखा और आज हम अपने पैरों पे वापस खड़े हैं तो आई थिंक हमें ग्राउंडेड या रूटेड रखने के लिए एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए मेरे लिए इंडिया लॉकडाउन वो रिमाइंडर है एंड आई थैंक मधुर सर वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स सी मी इन अ डिफरेंट लाइट एंड यू डिड दैट सो थैंक यू सो मच फॉर फूलमती फूलमती इज़ वेरी स्पेशल स्मिता पटल हर किसी एक्टर की आइडल है मेरी भी है और उनके जीन्स मेरे साथ में थे हमेशा आ, तो मुझे बहुत uh, अच्छा लगा <laughs> बहुत मजा आया एंड आई थिंक आई होप अभी हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे हम ट्रेलर देखेंगे लेकिन आई होप आपको ट्रेलर और सिनेमा दोनों पसंद आए थैंक यू Wow! That, to that, let's clap and have the trailer. May I please request all of you to actually take pictures first? Please come, come in the center, everyone. Someone take the mic, please. Can I request just the cast and Madhur sir to stay back first? Just a quick picture of the. Yeah. Thank you, manishtri. Thank you, Pranavji. <laughs> <laughs> and Pratik, I think I'd like the girls with sir as well. So I'm going to ask you to step down because. The boy and his girls. Yeah, yeah, yeah. Full bond fields. Thank you, Pratik. Girls, stay back. <laughs> yeah. <laughs>